तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के दिग्दर्शिका संस्कृत पाठ 3 आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। इसका हम हिंदी अनुवाद सहित पढ़ेंगे दो पैराग्राफ तक, यहाँ से यहाँ तक। पाठ शुरू करने से पहले हम कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, एक है यज्ञवल और उनकी है 2 पत्नी, पहली है मैत्रेयी और दूसरी है कात्यायनी, ये दोनों उनके नाम हैं। तो अब पाठ शुरू करते हैं। तो पहला पैराग्राफ में है, यज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच, मैत्रेयी उद्यायस्यन अहम अस्मात् स्थानादस्मि ततस्तेन नया कात्यायन्य विच्छेदम करवाणि इति। जिसका अर्थ है, यज्ञवल ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से जा रहा हूँ, मैं इस स्थान को छोड़कर जा रहा हूँ, ततस्तेनय कात्यायन्य विच्छेदम करवाण इति, तो क्या मैं तुम्हारा कात्यायनी नामक पत्नी से विच्छेद कर दूँ। मैत्रेयी उवाच, यदीयं सर्व पृथ्वी वित्तेन पूर्ण स्यात् तत् किं तेनाहमृता स्यामिति। तब मैत्रेयी ने कहा, उवाच मतलब कहा, यदीयं सर्व पृथ्वी वित्तेन पूर्ण स्यात् तत् किं, यदि संपूर्ण पृथ्वी का धन हमें मिल जाए, किम क्या तेनाहम मृता स्यामिति, तो क्या मुझे अमृत प्राप्त हो जाएगा। यज्ञवल्क उवाच नेति, यज्ञवल्क कहते हैं नहीं। और अब पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ, यथैवोपकरणवतम जीवनम तथैव जीवनम स्यात्। जिसका अर्थ है, जिस प्रकार धनिकों का जीवन होता है वैसे ही तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृत तत्वस्य तु नासस्ति वित्तेन इति, धन से अमृत की कामना नहीं करते हैं। आ मैत्रेयी उवाच, उस मैत्रेयी ने कहा, येनाहम नामृता स्याम किमहम तेम कुर्यान, जिससे मुझे अमृत तो नहीं प्राप्त होगा उसे लेकर मैं क्या करूँगी। यदेव भगवान केवलम मृतत्व साधनम जानती तदेव में ब्रूहि, आप जो केवल अमृत का साधन जानते हो वही मुझे बताएं। यज्ञवल्ल उवाच, प्रिय न सती तुम प्रियम भाससे, यज्ञवल्ल कहते हैं, तुम प्रिय ही नहीं बल्कि तुम प्रिय भाषा भी बोलती हो। ए ही उपविश, यहाँ बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, मैं तुमसे अमृत साधन की व्याख्या करता हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।